जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया IDPS पब्लिक स्कूल के अंदर बसई एन्क्लेव में। यहां पर मुख्य अतिथि ने आकर के ध्वजारोहण किया, उसके बाद में बच्चों ने राष्ट्रगान गा करके अपनी प्रस्तुति दी। इसके साथ ही कई अन्य प्रस्तुतियों के द्वारा आए हुए अतिथियों का और अभिभावकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर। आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। अजय भारत के साथ बने रहिए। जय हिंद जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, सबसे प्यारा। पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे आए। मैं यहाँ पे अपने देश के आज़ादी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे बहुत सारे यानी कि लाखों शहीद हुए थे, लाखों लोग शहीद हुए थे जब हमें जाके कहीं ये आज़ादी प्राप्त हुई थी। हम चाहते हैं कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि उस टाइम हम आज़ाद हो गए, हमें उसके लिए हर पल सतर्क रहना पड़ेगा। पल पल हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कहीं कौन घात लगा के बैठा है, कौन देश, कौन यहाँ पे हमारे देश को दोबारा से हम परतंत्र हो सकते हैं, दूसरे के अधीन हो सकते हैं। उसके लिए हमें समय समय पर अपने स्कूलों में, कॉलेजों में अपनी आम जनता को बताना चाहिए कि किस तरीके से हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। और हमारे जो सैनिक हैं, सैनिक बल, तो ये है कि हमारे बाहरी रूप से हमें इतना मतलब जितनी हमारी सीमाएं हैं वहां पे तैनात हैं, कितने सारे उसी आज़ादी को कायम रखने के लिए वो लोग कितने शहीद हो रहे हैं डेली। तो हम चाहते हैं कि हमारी सब भारतवासियों से यही एक प्रार्थना है कि आप लोग अपनी आज़ादी को कायम रखने के लिए जागे रहें और अपने हिंदुत्व को जो लोग अपने सनातन को समाप्त करना चाहते हैं उनके विरोध में रहें और उनको कतई अपने देश की सीमा के अंदर ना घुसने दें। और जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे अपना बजरंग दल है, चाहे RSS है, मैं चाहती हूँ कि अब गुटों में ना बटके सब एक समान रूप से कार्य करें अपने देश के लिए। तो मैं यही चाहूंगी कि ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी, इसमें कुर्सी को छोड़ दीजिएगा, कुर्सी की अब कोई भी आप कुर्सी की तरफ ना भागे। आप अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की आजादी कायम रखने के लिए ही कार्य करें। तो सारे संगठनों से मेरी यही विनती है कि आप लोग एकजुट हों और अपने देश के लिए प्रगति के विकास के कार्य में लगें, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें और उन बच्चों के लिए समय समय पर सहायता प्रदान करें। जो बच्चे हमारे रिसर्च वगैरह पे जाना चाहते हैं उनके लिए कार्य करें और समाज को ऊंचा उठाने का कार्य करें। ठीक। और IDPS स्कूल की तरफ से एडवोकेट निर्मला शर्मा देशवासियों, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देना देती हूँ। मैम आपका स्वागत है IDPS स्कूल में। मैं IDPS स्कूल की प्रिंसिपल ललका शर्मा आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई देती हूँ और हमारे सभी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारे पेरेंट्स के लिए भी एक संदेश है कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो एक आज़ादी का प्रतीक है। आज़ादी हमें अपने विचारों से भी चाहिए और आज़ादी के दिन हम सब यही कामना करेंगे कि ये आज़ादी सबके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं महेंद्र प्रकाश शर्मा, चेयरमैन IDPS स्कूल, आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ 15 अगस्त की। और इसी अवसर पर आए हुए अतिथि भव को अभी मैं स्वागत करता हूँ जिन्होंने आगे हमारा सम्मान बढ़ाया। और देश के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी हमारे फौजियों भाइयों ने जितना भी किया है वो एक सम्मान है और उसको बरकरार रखने के लिए हमें आगे ये शिक्षा भी मिलती है कि कंटिन्यू इसी प्रकार से हम सभी को ये देशभक्ति का जुनून होना चाहिए और ये कायम रखेंगे। जय हिंद जय भारत। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को आज 15 अगस्त की
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये इंटरनेशनल डीपीएस स्कूल में बच्चों का प्रोग्राम में आके बड़ी खुशी हुई। और सबसे पहले तो मैं देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनको हम आज नमन करते हैं। और मैडम निर्मला जी से भी हम एक गुजारिश करेंगे कि एक लाइन या दो लाइन देश के जवानों के लिए, सैनिक के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो जब प्लस टू करके जाएं तो जैसे एनडीए या आर्मी में उनको इनरोलमेंट होने के लिए कुछ बताया जाए। और आज इस मौके पर मैं देश को एक पुण्य आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाइयां देता हूं। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंदे बंदे अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, सबसे प्यारा